एवरीवन वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से शिक्षक भर्ती है नोटिफिकेशन, आगे ये डिटेल्स कवर करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेटेड है तो वहाँ से करेंगे कि कहाँ से नोटिफिकेशन किस स्टेट के लिए है और क्या क्या सब्जेक्ट है, कौन एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्टार्ट डेट है 14 मई से स्टार्ट हुई है, 25 मई तक लास्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। डाउनलोड फाइल यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर गेस्ट टीचर फॉर वैकेंट पोस्ट ऑन टेम्पररी ऑनरेरियम फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23 इन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में तीन हैं, तीन स्कूल में वैकेंसी है। यहाँ पर ये PDF डाउनलोड कर लेते हैं। ये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छुरी कला जिला कोरबा डिस्ट्रिक्ट में, दूसरा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय लाफा पाली डिस्ट्रिक्ट कोरबा एंड एकलव्य आदर्श विद्यालय आवासीय विद्यालय रामपुर पोड़ियो परोड़ा डिस्ट्रिक्ट कोरबा। तो डिस्ट्रिक्ट कोरबा छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ से तीन अलग अलग, कोरबा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ स्टेट में है, छत्तीसगढ़ राज्य में है और इसमें ही तीन अलग अलग एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से वैकेंसीज हैं। तो जो पहला स्कूल है उसमें सिर्फ केवल अनुसूचित जनजाति के एप्लीकेंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरे स्कूल में भी केवल अनुसूचित जनजाति, वो भी छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट एप्लीकेशन सिर्फ कर सकते हैं। ये दोनों तो रिजर्व्ड है अनुसूचित जनजाति के लिए। और ये जो थर्ड स्कूल है इसमें TGT इंग्लिश है, TGT साइंस है, TGT सोशल साइंस है, इसमें ये अनरिजर्व्ड है, अनारक्षित, कोई भी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर बाकी की क्राइटेरिया मीट होती है तो। बाकी की क्राइटेरिया के लिए ये एडवर्टीजमेंट इस तरीके से नजर आएगी, कार्यालय कलेक्टर कोरबा जिला कोरबा छत्तीसगढ़, 11 मई को ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट की गई है। एक जो परमानेंट वाली आई थी जिनके लिए आप लोगों ने फी पे की थी वो तो एडवर्टीजमेंट आई और उसके बाद से एक डेढ़ साल के ऊपर हो गया, उसकी कोई भी अपडेट नहीं है। मैंने एक ईमेल आईडी भी भेजी, ईमेल आईडी से एक ईमेल भी की थी कि उसकी कोई अपडेट दी जाए ऑफिशियल उनके ईमेल आईडी पर, बट उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जबकि उस ईमेल को भेज के भी मुझे 2 महीने से ज़्यादा हो गए। तो ये तो इस तरीके से ही चल रहा है कि वैकेंसीज आती हैं, फॉर्म फिल होते हैं और उसके बाद पता नहीं वो उन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, फिर तो वेट ही कर सकते हैं। तो ये लोकल लेवल पर आई है छत्तीसगढ़ से और टेम्पररी रहेगा। इसमें एज लिमिट 21 मिनिमम, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। जो भी छत्तीसगढ़ के हैं कोरबा डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेशन करना चाहते हैं वो इसकी डिटेल्स बाकी देख लें। और सैलरी वगैरह जो है पर लेक्चर वाइज है, तो समथिंग ये एप्लीकेशन फॉर्मेट इसमें दी हुई है, एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको डाउनलोड कर लेना है। सैलरी पर लेक्चर के हिसाब से है तो वो आप चेक कर सकते हैं, सभी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं इसी में। लास्ट डेट रहेगी अतिथि शिक्षक TGT पद की पूर्ति होती 25 मई 2022 को संध्या 5:30 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना है। तो 25 मई तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। बाकी की सभी डिटेल्स के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट कोरबा छत्तीसगढ़ की। इसकी लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं डिटेल्स। छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट ही सिर्फ एप्लीकेशन कर सकेंगे, टेम्प्रोरी है और लेक्चर वाइज पेमेंट है समथिंग 200 रुपीज़ और समथिंग लाइक दैट, वो आप चेक कर लें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक कर लें, बाकी की सभी डिटेल्स आप चेक कर लें।